उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश को कचरा मुक्त बनाने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में डस्टबिन फ्री उत्तराखंड अभियान के अंतर्गत देहरादून नगर निगम भी शहर से डस्टबिन को हटाकर डोर टू डोर कूड़ा उठाने को गति दे रहा है। इसको लेकर नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि शहर में 100 जगह हमने ऐसी चिन्हित की गई हैं, जिनमें करीब 6 से 7 जगह ही ऐसी बची हैं जहाँ डस्टबिन बाकी है, इनको भी जल्दी हटा लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम अपने वॉलंटियर भी नियुक्त करेंगे जो घरों में जाकर दरवाजा नॉक करेंगे, जिससे 100% कूड़ा उठान को संभव किया जा सके। यदि इसके बाद भी कोई कूड़ा सार्वजनिक स्थान पर फेंकता है तो उसके विरुद्ध चालान की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैं इसमें थोड़ा बेसिक्स में बताना चाहूँगा कि यदि हमारी कूड़ा गाड़ी जाती है तो किसी को भी डस्टबिन में कूड़े फेंकने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। ये आवश्यकता शायद इसलिए हो रही है कि कहीं हमारी गाड़ी नहीं पहुंच पा रही है या पहुंच रही है तो समय से नहीं पहुंच पा रही है, इसके कारण लोग फेंकने पर मजबूर होते हैं, अथवा कुछ लोग गाड़ी जब आती है तब अपना कूड़ा नहीं डाल पाते हैं तो बाद में डस्टबिन अथवा सड़क पर डालते हैं। तो उसके लिए यही प्रयास किया जाए कि गाड़ी हमारी समय से पहुँचे, प्रेडिक्टेबिलिटी के साथ पहुँचे और लोग कूड़ा दें। इसके लिए अभी हमने हर गाड़ी के साथ एक एक वॉलंटियर भी तैनात किया है 47 वार्ड्स में, ताकि वो घर घर जाके नॉक करके लोगों से कूड़ा लेंगे।